यूपी टाइम्स न्यूज, खबर आपकी, भरोसा आपका। बजरंग मुनि जो कल तक सीतापुर में खुलेआम मस्जिद के सामने पुलिस वालों के संरक्षण में मुसलमानों के बहन बेटियों के बलात्कार करने की धमकी दे रहा था, अब गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा है। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुँचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं, मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूँ। हालांकि पुलिस प्रशासन की सुस्त रवैये से अब तक बाबा बजरंग मुनि गिरफ्तार नहीं हुआ है। देवी का महीना यानी नवरात्र चल रहा है और हिंदू धर्म जो औरतों को देवी का दर्जा देता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो, एक बाबा जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है, वो ना सनातन धर्म का पालन कर रहा है और ना ही भारतीय संविधान का। हालांकि बाबा की गिरफ्तारी न होना इस बात का प्रमाण है कि बाबा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वरना अगर यही बात गलती से किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने कर दी होती तो अब तक गोदी मीडिया और सरकार दोनों उसे आतंकवादी घोषित कर NSA लगा चुके होते। सरकारी तंत्र दोहरा रवैया जितनी जल्दी बदलेगा, देश व समाज के लिए उतना ही लाभदायक होगा। अन्यथा ये नफरत हमें विश्व गुरु तो छोड़िए जनाब, एशिया गुरु भी नहीं बनने देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल UP Times News को ज़रूर सब्सक्राइब करें।